डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2023 का 11 अप्रैल का शिफ्ट वन का एक डोमेन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड है। इस तरह का सवाल जनरली जेई मेंस में रिपीट होता है, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन डोमेन हर जगह मिल जाता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10। तो सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कुछ फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10, ये ग्रेटर देन 0। जब इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ पर मैं आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिल जाएगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर मैं अगर इसको टी ले ले, इसको टी ले ले, तो ये जो टी का इंटरवल होगा वो इस तरह से ब्रेक होगा माइनस 2 और 5, यानी टी जो हो जाएगा 5 से बड़ा हो जाएगा और माइनस 2 से भी क्या हो जाएगा, छोटा। और ये दोनों एक्सक्लूड रहेगा, दोनों एक्सक्लूड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं जो इनइक्वलिटी बनेगा आपको वो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन माइनस 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5। तो एक बात बताइए, जब ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, माइनस 2 से छोटा इंटीजर, माइनस 2 से छोटा इंटीजर यानी माइनस 2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, माइनस 3, यानी यहाँ से इसका वैल्यू स्टार्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3। और इधर में कहीं ना कहीं 5 है, 5 से बड़ा इंटीजर, 5 से बड़ा इंटीजर मिनिमम क्या होता है, 6। तो इधर से चलते रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस 3 को सॉल्व करना है, तो माइनस 3 के नियरेस्ट में एक इंटीजर आएगा माइनस 2, ठीक है ना। और माइनस 2 से छोटा कुछ भी नंबर लोगे, माइनस 2 से छोटा कुछ भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल माइनस माइनस 2 पॉइंट, यहाँ पर मैं माइनस 2.1 भी ले लेंगे सपोज करो, तो इसका इंटीजर कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस 3। इसका मतलब माइनस 2 से छोटा कुछ भी लोगे तो ये इनइक्वलिटी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स का इंटरवल आएगा एक्स लेस देन माइनस 2, और यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा इसका मतलब 6 के इक्वल और 6 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो वहां पर मैं इसका इंटीजर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर होगा। अगर 6 से छोटा लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में एक्स लेस देन माइनस 2 और इस केस में आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब एक इंटरवल आएगा एक्स लेस देन माइनस 2, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 to infinity। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।